नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल अलग से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। दरअसल आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गए हैं जो घटना एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक शैतान से या फिर कह लो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर निगेटिव एनर्जी से जुड़ी हुई है। इसी कहानी आप लोगों ने बेशक कई बार सुने होंगे, लेकिन आप लोगों के मनोरंजन और जानकारी के लिए आज फिर से एक और नई घटना की कहानी आप लोगों को बताना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल ये घटना आज से 60 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से गांव में घटी थी। दरअसल आज से 60 साल पहले क्या सिचुएशन होती थी मैं बताता हूँ। नॉर्मली दरअसल जो लोग होते थे ना, जो यंग लोग एडल्ट लोग होते थे, वो लोग ना ज्यादा प्राइवेट जॉब्स नहीं करते थे। ज्यादातर क्या होता था कि लोग अपना खेती किसानी ये सब करते थे, नहीं तो कोई कारोबार करते थे, नहीं तो फिर वो कोई गवर्नमेंट जॉब करते थे। मैक्सिमम लोग उस टाइम पे वकील बनना चाहते थे, या तो फिर डॉक्टर बनना चाहते थे, या तो फिर आर्मी में भर्ती होना चाहते थे। तो जिनके साथ ये घटना घटी उनका नाम था श्यामलाल। श्यामलाल जी जो थे ना, वो आर्मी में भर्ती होना चाहते थे। काफी समय से उनका ये सपना था। जब वो थोड़े बड़े हुए और वो टाइम आ गया कि हाँ अभी एग्जाम देने के लिए खुद को तैयार करना है, मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होना है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था उनको बहुत अच्छे से पता है कि फिजिकली सबसे पहले फिट हो जाओ, दौड़ अच्छी होना चाहिए, ऊंची कूद लंबी कूद बहुत सारी चीज़ें होती होगी अपने को उतना नहीं मालूम, लेकिन मैक्सिमम लोग जो कि आर्मी में या फिर पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं वो लोग अपनी प्रिपरेशन के लिए क्या करते हैं, सुबह सुबह उठकर रनिंग करने के लिए जाते हैं। हाँ, बहुत लोग रनिंग करते हैं और वो बेसिक है, वो तो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी, रनिंग करना और कुछ कुछ खुद से योगा करना, एक्सरसाइज करना, क्योंकि तभी वो फुर्तीले और एनर्जेटिक दिखेंगे। तो बस यही था, श्यामलाल जी ने एक पर्टिकुलर जब टाइम आया कि जब उनको एग्जाम देना था कुछ ही समय बाद, तो उन्हें डिसाइड कर लिया कि मैं रोज सुबह रनिंग करने के लिए जाऊंगा। अब उस गांव में उनके कुछ और भी दोस्त थे और सारे दोस्तों का सपना मिलता जुलता था। सभी लोग आर्मी में भर्ती होना चाहते थे और एक दो थे जो पुलिस में भर्ती होना चाहते थे, तो इसके लिए रनिंग सबको जरूरी थी। श्यामलाल जी अपने दोस्तों से ये बात करते हैं, डिस्कस, बोलते हैं कि यार सुबह सुबह का वक्त है, ठंड का टाइम आ रहा है, एक काम करते हैं अपन लोग रनिंग करने के लिए निकलते हैं, गाँव की सीमा से थोड़ा खेत वेत की तरफ जाएंगे बाहर, और हम लोग वहां पर बढ़िया रनिंग करते करते जाएंगे, मतलब और बढ़िया एक्सरसाइज करेंगे। सारे दोस्त लोग हामी भर देते, अच्छी बात है यार, हम फिजिकली भी फिट होंगे और सुबह सुबह का अच्छा दौड़ना हवा लेना बहुत अच्छा होता है, इसी बहाने हमारा जो रूटीन है वो एक अच्छे तरीके से एक प्रॉपर बन जाएगा। तो इनके लगभग 6-7 दोस्त थे, ये तैयार हो गए थे सुबह सुबह रनिंग करने के लिए। आखिरकार वो दिन इनके सामने आ ही जाता है जब इन लोगों ने डिसाइड किए थे कि आज हमें रनिंग करना है। पूरे 6-7 एक घर के सामने इकट्ठे हुए एक दोस्त के सामने और सभी लोग रनिंग करने के लिए निकलने लगे। अभी एक छोटा गांव था तो गांव की सीमा से बाहर निकलकर रास्ता अलग अलग बढ़ जाता। तो दरअसल इनकी सीमा के बाहर दो रास्ता कट रहा था, एक रास्ता था मेन रोड का और दूसरा रास्ता था नहर वाला। मेन रोड से ही नॉर्मली लोग आया जाया करते थे इस गांव के अंदर या बाहर। दरअसल जो नहर वाला रास्ता था उसको लोग कहा करते थे कि ये एक भूतिया रास्ता है, इसके बारे में लोग सही बात नहीं किया करते थे। हालांकि इस रास्ते में किसी के साथ कोई अजीब घटना तो नहीं हुई थी, लेकिन सभी लोग बोलते थे कि वहां पर जाने से कुछ निगेटिव वाइब आती है, वहां पर ना ही जाए तो बेहतर है। अब ये लोग रनिंग करते करते उस सुबह लगभग 4 बजे रहे होंगे, ठंड का टाइम था, 4 बजे अंधेरा रहता है, उस समय घड़ी वड़ी तो ऐसी होती नहीं थी, लेकिन इन लोग अंदाजा लगा लेते थे, पुराने जमाने के जो लोग होते थे ना, उन लोगों को चांद की रोशनी या सूरज की रोशनी देख के समझ में आ जाता था, भाई वो लोग बहुत एक्सपर्ट थे, टैलेंटेड होते थे इस मामले में। तो क्या होता है कि वो लोग रनिंग करते करते गाँव की सीमा तक पहुँचते हैं 6-7, फिर अचानक से रुक जाते हैं। एक दोस्त बोलता है कि देखो हमें नहर वाले रास्ते से नहीं जाना चाहिए क्योंकि लोग इसके बारे में गलत बोलते हैं। एक दो लोग और मना करते हैं, लेकिन बाकी के लोग कहते हैं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, और श्यामलाल जी जिनका ये आइडिया था रनिंग करने वाला, वो एक तरीके से यहाँ पर लीडरशिप कर रहे थे क्योंकि उन्होंने ही इस आइडिया का इजाद किया था कि हम लोग रनिंग के लिए निकलेंगे। तो श्यामलाल जी कहते हैं कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता है, एक तो तुम इतनी बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम ऐसी धकियानूसी बातें कर रहे हो और डर रहे हो, ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है, और हम तो साथ में, कुछ हुआ तो हम 6-7 हट्टे कट्टे नौजवानों के सामने ये चीज क्या बिगाड़ लेगी। जैसे तैसे करके अपने दोस्तों को मना लेते और रनिंग करते 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 उस नहर वाले रास्ते में पहुंच जाते हैं, नहर को क्रॉस भी करते हैं,
एक पर्टिकुलर खेत वाले एरिया के सामने तरफ थोड़ा ओपन ग्राउंड टाइप का था, वहाँ पे मस्त मिलके एक्सरसाइज भी करते हैं, और 6 बजे का मतलब जब प्रॉपर सनराइज होने वाला रहता है तो दौड़ते दौड़ते अपने घर वापस भी आ जाते हैं। ऐसे करते करते शुरू के 2-3 दिन तो बढ़िया तरीके से कटते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। ये लोग उसी रास्ते से आते जाते क्योंकि उस रास्ते से जाते तो इनको वो वाला ग्राउंड मिलता जहाँ पर ये मिलजुल के एक्सरसाइज करते। अब 2-3 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन 4th दिन आया कि ये 6-7 को एक साथ, मतलब कोइंसिडेंटली कहीं काम पड़ गया। 2-3 को जाना था एक साथ किसी दोस्त की शादी में और 2-3 को अपने खेत में काम आ गया। अब बचे श्यामलाल जी अकेले। इनका ना इस ग्रुप में एक घनिष्ठ दोस्त था, बहुत ही अच्छा दोस्त, जिसका नाम था मनीष। मनीष बहुत अच्छा दोस्त था इनका, मनीष को भी खेत में काम था। अब श्यामलाल जी अकेले पड़ गए, बोले कि यार क्या करूं, अब कोई आ नहीं रहा है, बोले मैं अकेला ही जाऊंगा। हाँ, उनको भी करना था, उनको जज्बा था कि मुझे कैसे भी जाना है और सब भर्ती होना ही है। तो बस ये जल्दी जल्दी आज रात में खाना खाते हैं, 7:30 बजे तक ये अपना डिनर कर लेते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं, ताकि ये 4 बजे के आसपास उठ के रनिंग के लिए निकल जाए, सो जाते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, उस जमाने में घड़ी वड़ी तो होती नहीं थी, बस रोशनी वोशनी से अंदाजा लगाते थे, इनकी नींद खुलती है। समझ गए थे कि हाँ 4-4:30 का वक्त हो रहा होगा। घर के बाहर पूरा कोहरा दिखाई दे रहा था। ये उठाते हैं टॉर्च, कुछ एक्स्ट्रा बैटरीज, और निकल पड़ते हैं रनिंग के लिए। दरअसल सच्ची बात तो ये थी कि इस वक्त 4 या 4:30 नहीं बज रहे थे, इस वक्त बज रहे थे 3 बजे। इनका अंदाजा थोड़ा आज गलत बैठ गया था, क्योंकि ठंड के टाइम में पता नहीं चलता, ठंड के टाइम बहुत कोहरा रहता है ना, तो समझ में नहीं आता कि 3 बज रहे 4 बज रहे, या कभी कभी तो 8-9 बजे तक भी एकदम अंधेरा रहता है कोहरा ज्यादा होने की। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यहाँ पर शायद ये घटना घट गई इनके साथ, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली। बस ये सुबह के 3 बजे यानी रात के 3 बजे सुबह के 4 बजे सोचकर निकल गए दौड़ने के लिए। अब ये दौड़ते दौड़ते उस नहर के पास पहुंचे, नहर को क्रॉस किए, सब कुछ नॉर्मल था। अब ये खेत पे क्रॉस करके वो ग्राउंड के पास भी पहुंच गए, वहां पे आज ये अकेले थे और थोड़ी रनिंग करने लगे। रनिंग करते करते एक चक्कर मारे हैं, दूसरा चक्कर मारते हैं कि अचानक से मनीष सामने दिखाई देता है। तो मनीष के पास आकर बोलते हैं कि क्या हुआ भाई, तू तो बोला था तुझे खेत में कोई काम है, तू आज आने नहीं वाला है, तो आज तू यहाँ पर आ गया और मुझे कुछ बताया भी नहीं आके, कुछ बात की नाराजगी है क्या, कुछ गलती हो गई क्या मुझसे? तो मनीष कुछ बोलता नहीं है, इनका जो दोस्त था मनीष वो कुछ बोलता नहीं है, केवल सर हिला देता है और इशारा करता है चल दौड़ते हैं, ऐसे इशारा करता है। फिर दोनों मिलके दौड़ने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते श्यामलाल जी ये नोटिस करते हैं कि मनीष, जो कि थोड़ा नॉर्मल था कदकाठी में, थोड़ा शरीर में भी दुबला पतला था, वो इतना तेज दौड़ नहीं पाता, थोड़ा थक जल्दी जाता था, इन सारे ग्रुप में थोड़ा जल्दी थक जाता था। तो क्या होता है कि आज ये नोटिस करते हैं श्यामलाल जी कि मनीष थक नहीं रहा है, आलस नहीं दिखा रहा है, इनफैक्ट इनसे तेज दौड़ रहा है और ज़्यादा फुर्तीला दिख रहा है। इन्होंने अपने 18-19 साल के करियर में, जीवन में, मनीष को इतना ज़्यादा फुर्तीला पहले कभी नहीं देखे थे। दोनों लंगोटिए यार थे, ये हैरान थे, लेकिन इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि देखो हम सुबह सुबह उठ के दौड़ने के लिए निकल रहे हैं तो उसका ये कमाल कि एक आलसी लड़का इतना फुर्तीला बनते जा रहा है, ऐसा बोल के दौड़ने लगते हैं। अचानक से ना दौड़ते दौड़ते थोड़ा आगे बढ़ते हैं ये लोग, उस ग्राउंड से बाहर निकलते हैं कि ग्राउंड के बाहर तरफ एक बबूल का पेड़ था पुराना सा, उस बबूल के पेड़ के पास जाके मनीष रुक जाता है और ये आगे बढ़ने लगते हैं। देखते हैं अरे मनीष का है, पीछे पलट के देखते तो अरे बबूल के पेड़ के पास रुका हुआ है। आए बोले मनीष चल दौड़ते हैं ना, मनीष कुछ इशारा नहीं करता है, ना ही हिलता डुलता है, फिर बोलता है अरे मनीष चल ना, क्यों रुका हुआ है, टाइम हो रहा है, फिर मनीष रुका हुआ है, ये समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। फिर अचानक से जाते हैं और मनीष को ऐसा हाथ लगाते हैं कि मनीष ऐसा जोर से हाथ झटकाता है और एकदम चेंज आवाज में बोलता है, भारी आवाज में, मुझे हाथ कैसे लगाए तूने, निकल जा यहां से भाग। ये घबरा गए कैसा क्यों, बड़े अजीब आवाज में, मतलब मैं तो बहुत नॉर्मल बोला, ये बहुत अजीब आवाज में बोला, ये थोड़े डर गए, बोले ऐसा क्या हो गया यार, ऐसा बोल के ना पीछे करके जाने लगे, घबरा गए थे क्योंकि अंधेरा भी था इस वक्त ना, और इस जगह के बारे में लोग अच्छी बात नहीं करते भाई, विश्वास करे या ना करे कोई, लेकिन सामने जब कोई घटना घट जाती है ना तो इंसान की तो फट जाती है और विश्वास तोड़ने भी लगता है। हाँ, तो इनके साथ भी ऐसा हुआ, थोड़े से डर गए, ऐसा बोल के ना भागने लगे। अचानक से ये भागते भागते ना इनका पैर कहीं फंसता है और ये जमीन पर बुरी तरह से गिरते हैं, और इनके हाथ में ना जो रेड वाला धागा होता है ना, पूजा वाला धागा, वो बंधा हुआ था, वो धागा टूट जाता है,
ये घबरा गए। जैसे ही धागा टूटा तो ये बहुत जोर से गिरे थे ना, तो ये अपने आप को उठाने की कोशिश करने लगे। लेकिन ये उठाने की अपने आप को कोशिश कर ही रहे हैं कि उससे पहले नोटिस करते हैं कि मनीष इनके पास आकर खड़ा हो गया है और बड़ी ही भारी आवाज में कुछ अलग ही लैंग्वेज में ना जाने क्या इनको देखकर बड़बड़ा रहा है और ऐसा 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 हिल रहा है ऐसा अजीब तरीके से। ये घबरा गए कि मनीष करना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है। मनीष तो इस गांव की सीमा से भी कभी ढंग से बाहर नहीं निकला है, ये कौन सी भाषा में बड़बड़ा रहा है। थोड़े घबरा गए, बोले कि मनीष तू ठीक तो है ना, क्या कहना चाह रहा है। उतने में मनीष फिर से, हे अब तो तेरा कलावा, क्या बोलते कलवा, क्या जो कलवा, धागा, अब तो तेरा धागा भी टूट गया है, अब तुझे कौन बचाएगा मुझसे, अब तेरी जान कोई नहीं बचा सकता। ऐसा बोल के ना वो मनीष इनके ऊपर आने लगता है कि जैसे तैसे करके उठते हैं और लगातार बजरंगबली का नाम लेके भागने लगते हैं। भागते 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 ही अपने घर के दरवाजे के सामने पर, अभी भी अंधेरा ही था, सूर्योदय तो हुआ नहीं था और ना ही अभी तक ब्रह्म मुहूर्त लगा हुआ था। ये वही 3:30 के आसपास का टाइम रहा होगा। भागते 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 आते अपने घर की सीमा के सामने, अपने घर की सीमा के यानी दरवाजे के सामने जैसे ही पहुंचे तो क्या पाए कि इनके घर के दरवाजे में तो मनीष ही खड़ा हुआ है। मनीष, बोलते हैं कि मनीष तो यहाँ पर कैसे आ गया। वो अचानक से इनकी तरफ बढ़ता है और बोलता है, सुन रे मैं कोई मनीष वनीष नहीं हूँ, मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ, मैं उसका रूप लेकर तेरे सामने आया हूँ, क्योंकि अगर मैं सीधे सीधे तेरे सामने आ गया होता ना अपने रूप में तो तू तो मुझे देखकर ही मर जाता और मैं तुझे इतनी आसान मौत देना नहीं चाहता था, इसलिए एक साधारण मनुष्य के रूप में तेरे सामने आया हूँ कि तुझे तड़पा तड़पा के मार सकूं। आज तो तू बच गया लेकिन मैं वादा करता हूं तेरी जान मैं बहुत जल्दी लेकर जाऊंगा, तेरे पूरे खानदान को खत्म करके रख दूंगा। ऐसा बोल के बहुत डर गए यार वो, सुने तो श्यामलाल जी बात सुने तो बहुत ज्यादा डर गए। ऐसा भागे वो अपने घर के अंदर, दरवाजा दरवाजा बंद किया और सोने लगे। अब सुबह का वक्त हुआ, सुबह का वक्त हुआ तो इनको होश ही नहीं आ रहा है, गहरी नींद में चले, क्या हुआ मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम। अब इनकी आंखें खुली होगी तो पाए कि अभी सुबह के 11:30 के आसपास हो रहे हैं। सभी लोग एकदम इनकी खटिया के आसपास लगे हुए थे, इनको बड़े ध्यान से देख रहे थे कि हुआ क्या है, मानो कि एक तरीके से कोमा में ही चले गए थे, इनको मालूम ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है। सभी लोगों ने पूछे कि भाई क्या मैटर है बताओ, गांव वाले लोगों से इनने बात डिस्कस की, तब जाकर गांव वालों ने बताया कि तुम क्या बेवकूफ़ हो गए हो, हम लोगों ने कई बार ये बोले हैं और बुजुर्गों की बात तुम लोग नहीं मानते हो ना, यही प्रॉब्लम है तुम जैसे लोगों की, आजकल की जनरेशन होके सोचते हो कि बूढ़े लोगों को दिमाग नहीं होता है, अरे हम लोगों ने दुनिया देखे हुए हैं। दरअसल वो जो नहर वाला रास्ता है उसके आगे जो बबूल का पेड़ है ना, वो पेड़ एक ब्रह्म राक्षस का घर है और उस पेड़ के आसपास कोई भी गुजरता है या कोई एक ऐसे समय पर उस पेड़ को हार्म पहुंचाने की या फिर डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो उसका ब्रह्म राक्षस सामने वाले इंसान के ऊपर बिगड़ जाता है, उसके बाद उसको ख़त्म कर देता है, केवल उसको नहीं धीरे धीरे करके उसके पूरे खानदान को ख़त्म कर देता है। लेकिन ये बोलते हैं कि यार मैंने तो ना ही उसको हाथ लगाया पेड़ को, ना ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया, ना ही कुछ भी किया। तो गांव वालों ने बोले, अरे मूर्ख, इसलिए तो हम समझा रहे थे वहां से गुजरना नहीं है, उनको डिस्टरबेंस भी पसंद नहीं होती, उन लोगों ने अपनी भाषा में बोले होंगे लेकिन मैं आप लोगों को आसान भाषा में बता रहा हूँ, उनको डिस्टरबेंस भी पसंद नहीं होती है। अब तुमने बिना मतलब कि किसी घर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, और कोई इंसान नहीं था वो, एक ऐसी शक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल, बहुत ही ज़्यादा निगेटिव और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है, घमंडी शक्ति होती है ब्रह्म राक्षस की, बहुत घमंडी, और उनको अगर आप लोगों ने कुछ भी इतना सा भी उनके नियमों के खिलाफ आगे बढ़कर कुछ करने की कोशिश की तो बस, और उनके नियम कुछ भी हो सकते हैं, इंसानों जैसे नहीं कि ये होगा तो ही होगा, नहीं, उनके कुछ भी नियम हो सकते हैं, वो किसी भी बात पे बिगड़ सकते हैं और फिर आपकी मतलब पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। जितने खौफनाक दिखाई देते हैं उससे ज्यादा खतरनाक होते हैं वो लोग, मतलब कि वैसे कि किसी बात पे बुरा मान जाते हैं। गाँव वाले बुजुर्गों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा तभी इतना क्लियरली बता पा रहे। वही तो क्या होता है कि एक सबसे बूढ़े इंसान जो होते होंगे ना गाँव के, छोटा गाँव था ना, वो आके बोलते, देख भाई तुझे बचना है ना तो अपने पूरे परिवार को लेकर निकल जाए यहाँ से, लौट कर मत आना, नहीं तो खत्म हो जाएगा, तू नहीं बच पाएगा और ना ही तेरे घर को कोई बचा पाएगा। ये घबरा गए, घर वाले भी डर गए, माता पिता सब डर गए यार, ये सबको लेके उस गांव से निकल गए।
कुछ समय बाद बोलते हैं कि वो दूसरे गांव में रहे, फिर उसे कुछ समय बाद ये मुंबई आ गए और मुंबई में उन्होंने एक कारोबार शुरू किया और अच्छे खासे उनने तरक्की की, उनके बच्चे नाती पोते सब हुए। 60 साल का समय बीत चुका है और अब सब कुछ खुशहाल है, उनकी पीढ़ी भी हो चुकी है और हो सकता है कि उनकी पीढ़ी में से कोई ये वीडियो देख रहा होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी घटना की सच्ची कहानी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि श्यामलाल जी के जो दोस्त थे उनके पोते ने लिखकर भेजा, यानी कि जो मनीष जी थे उनके पोते ने लिखकर भेजा। तो ऑब्वियसली शायद उनके पोते भी देख रहे होंगे क्योंकि लिख के तो भेजे ही हैं। इनका नाम ऋषि था, जीमेल में लिखकर भेजा है। तो उम्मीद है कि आज की ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब तक देखे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।